जी हाँ दोस्तों, रिंकू सिंह का तूफानी पारी गया बेकार। गेंदबाजों ने डुबाया टीम इंडिया का नैया। तो आखिर रिंकू सिंह का तूफानी पारी क्यों गया बेकार? टीम इंडिया के गेंदबाजों ने टीम की नैया को कैसे डुबाया, आप लोगों को बताएंगे इस पूरी वीडियो में। तो वीडियो में बने रहिए और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि क्रिकेट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज में दूसरा T20 मैच में टीम इंडिया साउथ अफ्रीका से हार गई है। बारिश के कारण दूसरा T20 मैच साउथ अफ्रीका ने डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर 5 विकेट से जीत लिया है। रिंकू सिंह और सूरज कुमार यादव ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली और दोनों के बीच 4th विकेट के लिए 48 गेंदों में 70 रनों का जबरदस्त साझेदारी किया। इसी साझेदारी के दम पर भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 19.3 ओवर में 180 रन बनाया था। उसके बाद दूसरा पारी शुरू होने से पहले ही बारिश आ गई। बारिश के कारण साउथ अफ्रीका को 15 ओवर में 152 रनों का टारगेट मिला और साउथ अफ्रीका ने 7 गेंद रहते ही इस टारगेट को पूरा कर लिया और साउथ अफ्रीका T20 सीरीज में 1-0 से आगे हो गया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरे भारत का शुरुआती बहुत ही खराब रहा था। दोनों ओपनर बल्लेबाजी यशस्वी जसवाल और शुभमन गिल बिना खाता खोले पवेलियन चल गए थे। भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन रिंकू सिंह ने बनाया था। इसने 39 गेंदों में नाबाद ताबड़तोड़ 68 रन बनाया था और 2 गगनचुंबी छक्का और 9 चौका लगाया था। और सूरज कुमार यादव ने 36 गेंदों में ताबड़तोड़ 56 रन बनाया था। सूर्या ने 3 गगनचुंबी छक्का और 5 चौका ठोका था। उसके बाद साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी आई और पहले ही ओवर से भारतीय गेंदबाजों पर टूट पड़े। मोहम्मद सिराज के पहले ही ओवर में साउथ अफ्रीका के दोनों ओपनर बल्लेबाजों ने 14 रन बनाए। दूसरे ओवर के लिए आए हर्षदीप सिंह, इसने तो 24 रन दिए। ऐसे ही साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों ने लगातार भारतीय गेंदबाजों पर अटैक करते रहे और हमारे गेंदबाजों ने साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों पर दबाव बना ही नहीं पाए। बीच बीच में साउथ अफ्रीका का विकेट गिरने के बाद भी ऐसा लगा था कि शायद टीम इंडिया जीत सकता है, लेकिन साउथ अफ्रीका के रनरेट पर कोई असर नहीं पड़ा। भारतीय गेंदबाजी की बात करें तो मुकेश कुमार ने 2 विकेट निकाले थे और मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव ने 1-1 विकेट लिए थे। उसके बावजूद साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों को रोकने में नाकामयाब रहे और डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर भारत 5 विकेट से दूसरा T20 मैच हार गए। तो दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।